हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट यू में दोस्तों आज मैं पोषक पदार्थ से संबंधित प्रश्नों का पार्ट टू लेकर आया हूँ पार्ट वन में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जिन्होंने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की क्वेश्चन नंबर पहला है घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है ऑप्शन नंबर ए विटामिन है ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन के दोस्तों आपको हर क्वेश्चन के लिए दस सेकंड का समय मिलेगा आपको इसमें आंसर बताना है उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट right आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने में सहायक होता है इस कारण इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है या केमिकल नेम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो आंवले में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन के तो आपको बताना दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो एक हार्मोन के रूप में भी जो होता है वो काम करता है विटामिन डी सी बी या फिर के तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी विटामिन डी जो होता है ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में एक हारमोन के रूप में भी काम करता है विटामिन डी के अगर केमिकल नेम की बात करें तो उसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से हमें प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स और आस्टोमलेशिया नाम के दो रोग होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड हड्डियों में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस या ऑप्शन नंबर डी आयरन तो आपको बताना इसमें हड्डियों में कौन सा तत्व होता है जो दूसरा सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है दूसरा पूछा है कैल्शियम ऑक्सीजन फास्फोरस या फिर आयरन आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस फास्फोरस जो होता है हमारी हड्डियों में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो होता है अगर पहले की बात करें तो पहला तत्व तो होता है कैल्शियम हम, जो हमारी हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है उसके बाद होता है फास्फोरस नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है निम्नलिखित में से कौन पॉली कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए e, माल्टोस ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्टोस ऑप्शन नंबर सी स्टार्च या ऑप्शन नंबर डी गैलेक्टोस तो आपके पास दस सेकंड का समय आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है माल्टोस फ्रक्टोस स्टार्च या फिर गैलेक्टोस तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टार्च स्टार्च जो होता है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च जो होता है वो सबसे ज़्यादा आलू में पाया जाता है अगर बात करें माल्टोस की तो माल्टोस जो होता है डाई सेकेराइट कार्बोहाइड्रेट होता है और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये दोनों ही मोनोसेकेराइट कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र में कौन सी शकरा पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए लेक्टोज ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्टोस ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोस या ऑप्शन नंबर डी गैलेक्टोज तो आपको बताना हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो होते हैं उसमें कौन सी सकरा यानी कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लेक्टोस फ्रैक्टोस ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैलेक्टोज गैलेक्टोज जो होता है ये हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है और अभी मैंने आपको बताया ये एक प्रकार का मोनोसाइक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोस और फ्रक्टोस ये दोनों ही डाइसेकेराइड होते हैं और ग्लूकोज जो होता है ये भी एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है इसका फार्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स दुग्ध सकरा के नाम से किसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए लेक्टोस ऑप्शन नंबर बी माल्टोस ऑप्शन नंबर सी सुक्रोस या ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज़ तो आपको बताना है इसमें ऐसी कौन सी सक्रा होती है जो दूध में पाई जाती है लेक्टोस माल्टोस सुक्रोस या ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोस आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेक्टोस लेक्टोस जो होता है यह सबसे अधिक दूध में पाया जाता है इस कारण इसे दुग्ध सकरा के नाम से जो होता है वो जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन किस प्रकार की वसा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है ऑप्शन नंबर ए संतृप्त वसा ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त वसा ऑप्शन नंबर सी जंतु वसा या ऑप्शन नंबर डी सभी तो आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी वसा होती है जो मानव शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक होती है संतृप्त वसा असंतृप्त जंतु वसा या ऑप्शन नंबर डी है सभी तीन ये तीनों वसा ही खतरनाक होती है तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त वशा असंतृप्त वशा जो होती है वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक होती है असंतृप्त वशा में जितने भी प्रकार के तेल होते हैं जो जितने भी ऑयल आते हैं ये सब असंतृप्त वशा के जो होते हैं उदाहरण होते हैं और जितने भी प्रकार की जंतु जंतुवशा होती है ये सभी की सभी संतृप्त वशा का उदाहरण होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ शरीर में उत्कों का निर्माण कौन करता है ऑप्शन नंबर ए वसा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन या ऑप्शन नंबर डी सभी हमारे शरीर में उतर यानी टिश्यूज़ जो होते हैं टिश्यूज़ का निर्माण कौन करता है ये बताना है वसा विटामिन प्रोटीन या फिर सभी आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में उत्को का जो होता है निर्माण करता है क्योंकि प्रोटीन का काम ही होता है टूटी फूटी कोशिकाएं की मरम्मत करना जो होता है वो प्रोटीन का काम होता है और राइबोसोम जो होता है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और एक बार एक बात और आपको मैं बता दूं उत्को का जो अध्ययन होता है उत्को का साइंस जो होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर ए दस ऑप्शन नंबर बी बीस ऑप्शन नंबर सी बाईस या ऑप्शन नंबर डी पच्चीस तो आपको बताना प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्लों की जो होती है वो आवश्यकता पड़ती है दस बीस बाईस या फिर पच्चीस आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीस प्रोटीन की एक इकाई के निर्माण के लिए हमें बीस प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता पड़ती है इसमें से दस जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और दस जो होते हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है ऑप्शन नंबर ए अमाशाए ऑप्शन नंबर बी तिल्ली ऑप्शन नंबर सी उधर या ऑप्शन नंबर डी यकृत दस सेकंड का समय आपको बताना है मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है ये कहाँ संचित होता है हमारे अमाशा में तिल्ली में उदर में या फिर लीवर यानि यकृत में आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत यकृत या लीवर इसमें जो होता है विटामिन ए जो होता है हमारा संचित रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग्यारह वसा सामान्यता किस तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन नंबर तीस डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन नंबर सी बाईस डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन नंबर डी बीस डिग्री सेंटीग्रेड हमको बताना वसा जो फैट्स होते हैं वो समानता किस तापमान पर जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं तब उन्हें वसा कहते हैं आइए देखते हैं इसका राइट right आंसर क्या होगा इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी बीस डिग्री सेल्सियस या बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होते हैं वसा जो होता है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं अगर यही वसा बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं तो उन्हें तेल कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ने क्वेश्चन नंबर बारह एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है ऑप्शन नंबर है प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी वसा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर डी विटामिन तो आपको बताना एथलीट जो होते हैं उन्हें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन्हें किस चीज का सेवन कराया जाता है प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज इसका जो होता है एथलीट को जो होता है तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेरह फ्रकटोस किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेकेराइड डाई सेक्राइड पॉलीसेकेराइड या ऑप्शन नंबर डी सभी तो आपको बताना फ्रकटोस जो होता है वो किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है मोनोसेकेराइट डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड या फिर सभी आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज जो होता है एक प्रकार का मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे अधिक शहदों में पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शकरा जो होती है वो फ्रक्टोज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौदह शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन नंबर डी वसा तो आपको बताना है इनमें से किसमें से शरीर को सबसे ज़्यादा जो होती है वो ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से विटामिन से कार्बोहाइड्रेट से या फिर वसा से तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वसा वसा से जो होती है वो मनुष्य को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है और एक ग्राम वसा जो होती है वो नाइन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी जो होता है ऊर्जा मुक्त करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने में कौन सी शुगर पाई जाती है ऑप्शन नंबर है सुक्रोस ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोस ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोस या ऑप्शन नंबर डी गैलेक्टोस तो आपको बताना है गन्ना केन शुगर जो होता है उसमें किस प्रकार की शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सुक्रोस फ्रक्टोज ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोस तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज गन्ना जो होता है गन्ने में जो होते हैं वो सुख्रोज पाया जाता है इस कारण सुक्रोज को जो होता है केन शुगर भी कहते हैं और सुख्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है और सुख्रोज का दूसरा नाम इसे टेबल सकरा भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सोलह भोजन पकाते समय सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी ऑप्शन नंबर सी विटामिन के ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी तो आपको बताना दोस्तों जब हम भोजन को पकाते हैं उस समय सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट होता है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन के या फिर विटामिन सी तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी विटामिन सी जो होता है वो भोजन पकाते समय सबसे पहले नष्ट होता है क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो ताप संवेदी होता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसिटिव जो होता है वो विटामिन सी होता है और सबसे पहले खोजा गया विटामिन बी जो था विटामिन सी था इसका केमिकल नेम होता है एस्कारबिक अम्ल और इसकी कमी से जो होता है स्कर्बी यानी पायरिया रोग होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अमीनो अम्ल जिन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए आवश्यक अमीनो अम्ल ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक अमीनो अम्ल ऑप्शन नंबर वह अमीनो अम्ल क्या क्या लाते हैं जिन्हें हम भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल या सिर्फ अमीनो अम्ल या ऑप्शन नंबर डी सभी तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवश्यक अमीनो अम्ल उन अमीनो अम्लों को जिन्हें हम भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो दस होती है और इन अमीनो अम्लों की सहायता से ही जो होते हैं शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है ऑप्शन नंबर ए थाइमिन ऑप्शन नंबर बी पैराडॉक्सिन ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लोविन या ऑप्शन नंबर डी नियासिन तो आपको बताना है कि विटामिन बी टू जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है थाइमिन पैराडॉक्सिन राइबोफ्लोविन या फिर नियासिन तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन राइबोफ्लोविन जो होता है वो विटामिन बी टू का जो होता है वो रासायनिक नाम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर उन्नीस ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी विटामिन या ऑप्शन नंबर डी वसा तो आपको बताना है दोस्तों ऊर्जा का जो होता है प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन को विटामिन को या फिर वसा को तो आइए देखते हैं इसका राइट right आंसर क्या होगा इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या यानी ग्लूकोज जो होता है शरीर में तुरंत जाकर जो होता है हमें ऊर्जा प्रदान करता है इस कारण इसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं और लगभग पचास से पचहत्तर प्रतिशत ऊर्जा जो होती है वह तो हमारे शरीर को इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बीस शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर सी खनिज लवण या ऑप्शन नंबर डी विटामिन आपको बताना है कि शरीर का रक्षात्मक पदार्थ इनमें से किसे कहते हैं हम प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट को खनिज लवण को या फिर विटामिन को आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन विटामिन जो होते हैं इन्हें शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे मीठी सकरा कौन सी है ग्लूकोस फ्रक्टोस, माल्टोस या फिर सैकेरेन आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से सबसे मीठी सकरा यानी सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन होता है ग्लूकोस फ्रकटोस माल्टोस या फिर सैकेरेन आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेकेरिन सेकेरिन जो होता है ये सबसे मीठी सकरा होती है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और सेक्योरिन का जो कैलोरफिक वैल्यू होता है उसका मान शून्य होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचन शरीर में कहाँ होता है ऑप्शन नंबर ए बड़ी आँत ऑप्शन नंबर बी छोटी आँत ऑप्शन नंबर सी हमासाय या ऑप्शन नंबर डी लीवर आपको बताना हमारे शरीर में वसा का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है बड़ी आंत में छोटी आंत में अमाशा में या फिर लीवर में तो समय होता है समाप्त आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें वसा का पाचन जो होता है हमारे शरीर में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तेईस कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है विटामिन बी टू विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी सिक्स या फिर विटामिन बी फाइव आपको बताना दोस्तों कोबाल्ट धातु जो होती है वो कौन से विटामिन में पाई जाती है बी टू बी ट्वेल्व बी सिक्स या फिर बी फाइव आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व जो होता है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसकी कमी से ही हमें एनीमिया रोग होता है और विटामिन बी टू के अगर केमिकल नेम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनो कोबाल नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाते समय सबसे पहले क्या नष्ट होते हैं ऑप्शन नंबर ए विटामिन ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी वसा या ऑप्शन नंबर डी खनिज लवण तो आपको बताना है दोस्तों कि जब हम खाना बनाते हैं तो क्या सबसे पहले नष्ट होते हैं विटामिन प्रोटीन वसा या खनिज लवण आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन विटामिन जो होते हैं वो भोजन पकाते समय सबसे पहले नष्ट होते हैं और इसके पहले ही मैं क्वेश्चन बताएं विटामिन में भी अगर बात की जाए तो विटामिन सी जो होता है वो सबसे पहले नष्ट होता है क्योंकि वह ताप संवेदी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए दाल ऑप्शन नंबर बी चावल ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन या ऑप्शन नंबर डी मक्का तो आपको बताना दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो किस में पाया जाता है दाल चावल सोयाबीन या फिर मक्का आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन सोयाबीन जो होता है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और लगभग चालीस प्रतिशत जो प्रोटीन होता है वो हमें सोयाबीन से प्राप्त होता है तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बना के डालता रहूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों सभी अपने घर में रहें सुरक्षित रहें और बाहर बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग जरूर करें